हेलो एवरी वन माइनेम इज करू वेलकम टू दिस वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट द क्वेश्चन दैट इज मिनिमम सब ऑफ साइज पी सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन ऑन वन नोट थ्रू एग्जाम्पल एंड देन विल गो थ्रू द क्वेश्चन लाइन बाई लाइन एंड देन विल थिंक अबाउट दल्यूशन ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया है जिसमें कि इंटीजर्स है ठीक है और इस एरे में टोटल लेट से एलिमेंट्स है, ओके, इस एरे के अलावा हमें एक और इंटीजर पी दिया हुआ है अब हमें पूछा गया है कि इस एरे में जितने भी सब एरे हैं ऑफ साइज पी उन सभी सब एरे का कुछ ना कुछ सम होगा तो इसमें से हमें मिनिमम सब एरे सम बताना है मिनिमम सब एरे सम ठीक है सो फॉर एग्जांपल लेट्स से एन की वैल्यू एट है एरे की साइज एट है एंड द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर नाइन टू वन थ्री सिक्स ट्वेल्व लेट से फोर एंड लेट से सेवन ठीक है एंड तो ये एट एलिमेंट्स हो गए एरे के एंड लेट से द वैल्यू ऑफ पी इज फोर मतलब जितने भी सब एरेज इस एरे के फोर साइज के पॉसिबल है उन सभी सब एरे का कुछ ना कुछ सम होगा उसमें से मिनिमम सब एरे सम जो होगा वो हमें बताना है ठीक है सब एरे सम मतलब एक पर्टिकुलर सब एरे के एलिमेंट्स का सम सो फॉर एग्जाम्पल इफ द एलिमेंट्स आर नाइन टू वन थ्री सिक्स ट्वेल्व फोर सेवन तो यहाँ पे फोर साइज के कौन कौन से सब एरेज है एक तो ये है अनदर इज दिस वन अनदर इज दिस वन धैन इट्स दिस वन एंड धैन इट्स दिस वन ओके तो इन सभी फोर साइज के सबेरे का कुछ ना कुछ सम होगा फॉर एग्जाम्पल ये जो सबेर है नाइन प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री इसका सम क्या है फिफ्टीन फिर ये जो सबेर है इसका सम क्या है टू प्लस वन थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व ये जो सब एरे है वन प्लस थ्री फोर फोर प्लस सिक्स टेन टेन प्लस ट्वेल्व विवेंटी टू ये जो सब एरे है थ्री प्लस सिक्स नाइन नाइन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस फोर ट्वेंटी फाइव एंड ये जो सब एरे है सिक्स प्लस ट्वेल्व एटीन एटीन प्लस फोर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस सेवन ट्वेंटी नाइन ठीक है सिक्स प्लस ट्वेल्व एटीन फोर ट्वेंटी टू एंड सेवन ट्वेंटी नाइन तो ये सभी पी साइज के जो सब एरे थे उनका सम है इसमें से मिनिमम सम क्या है ट्वेल्व है सो अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्वेल्व तो ये हमें बताना है ठीक है लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन गिवन एन एरे ऑफ इंटीजियर्स विथ एन एलिमेंट्स ओके फाइंड द मिनिमम सम अमंग ऑल सबेरे सम विथ सबेरे साइज पी जितने भी सबेरे साइज पी के पॉसिबल है उसमें से मिनिमम सबेरे सम बताना है इनपुट फॉर्मेट फर्स्ट लाइन कंटेंस एन देट इज द साइज ऑफ द एरे सेकेंड लाइन कंटेंस एन एलिमेंट्स ऑफ द एरे थर्ड लाइन कंटेंट्स पी आउटपुट प्रिंट मिनिमम सम अमॉन्ग ऑल सब एरे सम विद एरे साइज पी जितने भी सब एरे साइज पी के हैं उन सभी का कुतना कुछ ना कुछ सम होगा उसमें से मिनिमम सब एरे सम हमें बताना है ठीक है कॉन्स्टेंस क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे कैन गो अप टू टेन की पावर सिक्स एरे एलिमेंट्स वैल्यू कैन गो फ्रॉम वन टू टेन की पावर सिक्स द वैल्यू ऑफ पी कैन गो फ्रॉम वन टू एन एंड द एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन एंड एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस इज कॉन्स्टेंट ठीक है तो अब इसके सॉल्यूशन के बारे में अगर सोचे तो बेसिकली हमें क्या करना होगा हमें जितने भी सब एरे साइज पी के हैं उन सब का सम कैलकुलेट करना होगा एंड उसमें से जो मिनिमम है वो रिटर्न करना है सो so, कैलकुलेट सब एरे सम फॉर ऑल सब एरेज ऑफ साइस पी एंड रिटर्न दी मिनिमम वैल्यू सभी सवेरे साइज़ पी के हैं उनका सम कैलकुलेट करो एंड उसमें से मिनिमम रिटर्न करो अब ये जो हम सभी सबेरेज ऑफ साइज पी का सम कैलकुलेट करेंगे यही हमारा पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन होगा मतलब कि ये सभी सबेरे ऑफ साइज पी का सम अगर हम ब्रूट फोर्स मेथड से अप्रोच करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा एंड एक अप्रोच होगा जिसमें कि हम एफिशिएंट तरीका निकालेंगे बिकॉज हमें इन सभी सबेरेस का सम तो निकालना ही पड़ेगा तभी जाके हम सभी की वैल्यू को कंपेयर करके उसमें से मिनिमम बता पाएंगे यू गेटिंग माई पॉइंट ओके मेथड so, में क्या होगा कि जितने भी एरेज है साइज पी के उन सभी का सम हम कैसे निकालेंगे उसके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग इंडेक्स तक लूप लगाएंगे एंड सभी एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे ठीक है तो सबसे पहले तो पी साइज के कितने सब एरे हो सकते हैं अगर एरे की साइज एन है अगर पी जो, जो है वो एरे की साइज है और एन जो है वो एरे की साइज है तो नंबर ऑफ सब एरेज ऑफ साइज पी कितने हो सकते हैं सो नंबर ऑफ सब एरेज नंबर ऑफ सब एरेज ऑफ साइज पी जो है वो हो सकते हैं एन माइनस पी प्लस वन ठीक है आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो फॉर एग्जांपल हमने यहां पे एग्जांपल देखा था एन की वैल्यू एट थी पी की वैल्यू फोर थी हमारे पास फोर साइज के कितने सब एरेज आए थे एन माइनस पी प्लस वन एन की वैल्यू है एट पी की वैल्यू है फोर प्लस वन दिस इज फाइव देखो एक ये सब एरे था एक ये, एक ये एक ये एक ये और एक ये ठीक है आपको अगर याद नहीं रखना तो कुछ आप इस तरह से भी कर सकते हो अगर एरे की साइज एन है तो एन साइज के कितने सब एरेज होंगे वन हाउ विल यू गेट इट एन माइनस एन प्लस वन ठीक है अगर एन साइज का एरे है तो वन साइज के कितने सब एरेज होंगे एन हाउ विल यू गेट इट एन माइनस वन प्लस वन ठीक है दैट इज इक्वल टू एन एंड दिस इज इक्वल टू वन ठीक है आप काइंड ऑफ यहाँ पे एग्जाम्पल्स uh, के थ्रू भी देख सकते हो अगर मान लो पांच एलिमेंट है तो तीन साइज के कितने सब एरेज होंगे एक तो ये होगा दूसरा ये होगा एंड तीसरा ये होगा ठीक है तो एन माइनस थ्री प्लस वन दैट इज थ्री सबेरेज होंगे ऑफ साइज थ्री ठीक है तो अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो एन माइनस पी प्लस वन सबेरे की साइज कितनी है पी तो इन सभी सबेरेज के लिए हमें पी साइज का लूप लगाना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल एक और चीज समझते हैं अगर कोई सबेरे है ठीक है ये uh, हमारे काम में आएगा अभी अगर उसका स्टार्टिंग इंडेक्स आई है एंड लेंथ ऑफ दिस सबेरे इज पी तो उसका एंडिंग इंडेक्स क्या होगा i प्लस पी माइनस वन ठीक है आप इसको इस तरह से समझो पहला इंडेक्स है आई प्लस जीरो दूसरा इंडेक्स है आई प्लस वन तीसरा इंडेक्स है आई प्लस टू तो पीथ इंडेक्स क्या होगा पीथ एलिमेंट आई प्लस पी माइनस वन ठीक है तो अगर स्टार्टिंग इंडेक्स आई है तो एंडिंग इंडेक्स आई प्लस पी माइनस वन होगा तो हम क्या करेंगे अगर ये मेरा एरे है एन साइज का तो पहले स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो होगा यहां से हम पी एलिमेंट्स का सम निकालेंगे फिर स्टार्टिंग इंडेक्स वन होगा यहां से हम पी एलिमेंट्स का सम निकालेंगे फिर स्टार्टिंग एलिमेंट टू होगा यहां से हम पी एलिमेंट्स का सम निकालेंगे एंड सो ऑन ठीक है सभी पी साइज के सवेरे का सम निकालेंगे और उसमें से जो मिनिमम होगा वो रिटर्न कर देंगे सो आई कैन वेरी माई स्टार्टिंग पॉइंट यूजिंग आउटर लूप आई कैन से आई इक्वल्स टू जीरो आई प्लस पी माइनस वन मस्ट बी लेस देन एन i++ ठीक है ये i इंडेक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सबरे ऑफ साइज p तो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो हो सकता है वन हो सकता है टू हो सकता है एंड सो ऑन ठीक है तो कब तक स्टार्टिंग पॉइंट जा सकता है अगर स्टार्टिंग पॉइंट i है तो एंडिंग पॉइंट ऑफ p साइज सबरे क्या होगा i p 1 तो एंडिंग एलिमेंट जो है वो विद इन द रेंज होना चाहिए मतलब लेस देन n होना चाहिए ठीक है इसीलिए आई प्लस पी माइनस वन मस्ट बी लेस देन एन देखो इसको समझो अगर ये मेरा एरे है जिसमें कि इंडेक्सेस है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव अब मुझे तीन साइज के सब एरे चाहिए तो एक तो ये हो सकता है एक ये हो सकता है एक ये हो सकता है एंड एक ये हो सकता है आई कैनॉट स्टार्ट विथ फोर्थ इंडेक्स एंड गो फॉर थ्री elements क्योंकि फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट होकर मेरे पास तीन एलिमेंट है ही नहीं राइट right? तो अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स आई है तो एंडिंग इंडेक्स आई प्लस पी माइनस वन होगा वो विद इन द रेंज होना चाहिए तो इसीलिए मैंने ये कंडीशन लगाई है अब ये जो है स्टार्टिंग इंडेक्स जो जीरो से स्टार्ट होता है एंडिंग इंडेक्स इंडेक्स मतलब इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स इज आई प्लस पी माइनस वन इस सबेरे का मुझे सम निकालना है ठीक है सो आई कैन से सम इज इक्वल्स टू जीरो एंड आई कैन से फॉर जे इक्वल्स टू आई झे इज लेस देन इक्वल टू आई प्लस पी माइनस वन झे प्लस प्लस ठीक है सो आई से लेकर आई प्लस पी माइनस वन तक मैंने लूप लगाया एंड आई विल से सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ जे तो मैंने ये आई से लेकर आई प्लस पी माइनस वन तक का जो सबेरे था ऑफ साइज पी उसका सम कैलकुलेट कर लिया ठीक है और यहाँ पे आई कैन से आंसर इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ

ठीक है तो आंसर को हम किससे इनिशियलाइज कर सकते हैं हम जो पहला सबेरे है ऑफ साइज पी का जो जीरो से लेके पी माइनस वन इंडेक्स तक का है उसके सम से इनिशियलाइज कर सकते हैं ठीक है थीके? फिर आप चाहो तो पहले सबेरे का सम मत कैलकुलेट करो यहां पे आप आई इक्वल्स टू वन से स्टार्ट करो ठीक है तो सबसे पहले आंसर में हमने जीरो से लेके पी माइनस वन इंडेक्स का जो सबेरे है उसके एलिमेंट्स के सम से इनिशियलाइज कर दिया एंड देन वी रोड दिस कोड ठीक है एंड यार वी कैन प्रिंट द आंसर लेकिन ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लेगा ये आउटर फोल लूप कितनी बार रन होगा बिग ऑफ एन माइनस पी प्लस वन क्योंकि इतने सबेरे होंगे ऑफ साइज पी के और इनर लूप पी साइज का है सो इन टू पी ठीक है नाउलेट से पी की वैल्यू एन बाई टू है हो सकती है दिस विल बी बिग ऑफ एन माइनस एन बाई टू प्लस वन इंटू एन बाई टू विच विल अल्टीमेटली बी बिग ऑफ एन स्क्र अगर आप सारे कॉन्स्टेंट्स वगैरह इग्नोर कर दोगे तो, तो यह बहुत एक्सपेंसिव है तो हमें इसी को एफिशियंट बनाना है ठीक है क्या करना है एफिशियंट बनाना है ठीक है नाउ एफिशियंट कैसे बनाएंगे सो so, मैं डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं बनाऊंगा बिकॉज आई वॉन्ट यू टू डेवलप द थिंकिंग प्रोसेस ओके सो so, मैं आपको सॉल्यूशन uh, का हिंट दूंगा मतलब काइंड ऑफ बताऊंगा कि ऐसा क्या हम इसमें ऑब्जर्व करें जिससे कि हम एक एफिशिएंट सॉल्यूशन पे आ सके ठीक है तो uh, आपको ये सॉल्यूशन स्ट्राइक हो जाएगा देखो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों लग रहा है देखो ये जो एन माइनस पी प्लस वन है ऑफ साइज पी उनका सम तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा राइट वो तो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था फिर उसको कैसे कैलकुलेट करना है वही ब्रूट फोर्स और एफिशिएंट का तरीका है ठीक है तो ब्रूट फोर्स में क्या है कि हम सभी सवेरे सब के लिए एक पूरा लूप लगा रहे हैं पी साइज का तो इसको हम एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं मतलब कि इस इनर लूप को कहीं ना कहीं हम एलिमिनेट करना है और कुछ बेटर यहां पर रिप्लेस करना है ठीक है तो इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं ठीक है थीके? एक तरीका क्या हो सकता है कि आप प्रीफिक्सम निकालो एंड देन यू जस्ट से अगर आपका एंडिंग इंडेक्स मान लो जे है या तो फिर आई प्लस पी माइनस वन ही लेते हैं एक तरीका क्या है कि आपने प्रीफिक्सम निकाला ठीक है एंड वेन यू आर इट स्टार्टिंग इंडेक्स आई एंड एंडिंग इंडेक्स आई प्लस पी माइनस वन इस सबे का आपको सम चाहिए सो यू कैन सिंपली से प्रीफिक्स सम ऑफ आई प्लस पी माइनस वन माइनस प्रिफिक्सम ऑफ आई माइनस वन ये जैसे ही आप लिखोगे आपको वो पी साइज के सबरे का सम सब मिल जाएगा कांस्टेंट टाइम में जो कि आप इस लूप से रिप्लेस कर सकते हो लेकिन वहां पे आपको प्रिफिक्सम का सब एरे बनाना पड़ेगा जो कि स्पेस लेगा ठीक है बिग ऑफ एन तो हम आ, कुछ और सोचना चाहते हैं ठीक है सो so, एक चीज ऑब्जर्व करो अगर ये मेरा एरे है ठीक है, लेट से एलिमेंट्स आर थ्री टू फाइव नाइन सिक्स अगर ठीक uh, है ये कितना है थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस फाइव इलेवन ये आपने कैलकुलेट कर लिया एक लूप लगा के अब ब्रूट फोर्स मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि जब ये सेकेंड सब एरे ऑफ साइज पी का सम कैलकुलेट करना है तब वापस हम यहां से लेके यहां तक का पी साइज का लूप लगा रहे हैं बट वॉट वी कैन ऑब्जर्व इसका सब एरे है है। मान लो इसको मैं बोलता हूं एस वन और ये जो पी साइज का सबेरे है एस टू इसमें ये एलिमेंट्स तो कॉमन ही हैं। इनका सम वापस क्यों कैलकुलेट करें? आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो ये जो पहला सबेरे है एस वन उसका कुछ ना कुछ सम आया होगा उसका कुछ ना कुछ सम आया होगा एस वन डैश उसमें से मुझे सिर्फ ये एलिमेंट निकालना है पहला एलिमेंट और ये एलिमेंट ऐड करना है तो मुझे इस एस टू का सम मिल जाएगा सो एस वन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एस टू डैश एस वन डैश क्या था इलेवन इलेवन माइनस थ्री सॉरी यहाँ पे प्लस नाइन माइनस थ्री इसको माइनस करना है इसको प्लस करना है सो माइनस थ्री प्लस नाइन सो दिस विल बी एस टू डैश एस टू डैश विल बी इक्वल टू सेवेंटीन कैलकुलेट कर लो वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस फाइव एट एट प्लस नाइन सेवनटीन एस सिंपल एज दैट ठीक है अब देखो थ्री वन टू फाइव नाइन सिक्स फोर एट आपने पहले सबेरे ऑफ साइज पी का सम कैलकुलेट किया इलेवन जब आपको इसका सम कैलकुलेट करना था आपने बोला इलेवन माइनस थ्री प्लस नाइन विच इज इक्वल टू 17। अब जब आपको इस सबेरे का सम कैलकुलेट करना है तो सेवनटीन जो कि उसके प्रीवियस सबेरे ऑफ साइज पी का सम है उसमें से वन को सब करो और सिक्स को ऐड कर दो सो सेवनटीन माइनस वन प्लस सिक्स विल बी इक्वल टू ट्वेंटी टू कैल्कुलेट कर लो टू प्लस फाइव इज सेवन सेवन प्लस सिक्स इज थर्टीन थर्टीन प्लस नाइन इज ट्वेंटी टू अब ये नेक्स्ट सब एरे साइज पी इसका सम कैलकुलेट करना है तो ट्वेंटी टू माइनस इसको सब्ट्रैक कर दो और इसको ऐड कर दो मतलब माइनस टू प्लस फोर विच इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर इसका सम ट्वेंटी फोर होगा देखो फाइव प्लस नाइन फोरटीन फोर्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द दबेरे सम फॉर दिस यू जस्ट से प्रीवियस सबेरे ऑफ साइज पी का सम ट्वेंटी फोर था उसमें से मैंने इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया जो प्रीवियस सबेरे का पहला एलिमेंट था एंड इस सबेरे का जो आखिरी एलिमेंट है उसको मैंने ऐड कर दिया करेक्ट आंसर है आर यू गेटिंग माई पॉइंट सो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज वी आर कैलकुलेटिंग द फर्स्ट सबेरे ऑफ साइज पीस सम यूजिंग अ फोर लुप

अब उसके बाद जब मुझे नेक्स्ट ऑफ साइज पी का सम चाहिए तो एस वन में से मैं ये सब ट्रैक करता हूं एंड ये ऐड करता हूँ ठीक है ये एलिमेंट ऐड करता हूँ सो so मुझे ये मिल जाता है दैट इज एस टू ठीक है सो so इसकी मदद से हम बिग ऑफ n में इसको कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है बिकॉज पहला सबरे ऑफ साइज पी का सम जब मैंने कैलकुलेट किया उसके बाद मुझे बस क्या करना था आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी चली गई है डोंट वरी वीडियो रिकॉर्डिंग इज ऑन मेरा फेस नहीं दिखेगा कुछ टाइम के लिए बट दैट्स ओके सो बेसिकली हमने जब पहला सबरे सम कैलकुलेट किया ये मान लो ये पहला सबरे था ऑफ साइज पी इसका सम कैलकुलेट कर लिया फिर जब नेक्स्ट सबरे ऑफ साइज पी का मुझे सम कैलकुलेट करना था तो मैंने क्या किया कि एक को ऐड किया और एक को सब्रैक किया तो मुझे ये वैल्यू मिल गई उसके बाद वापस मैंने एक को सब्रैक किया एक को ऐड किया तो नेक्स्ट ऑफ साइज सम मिल गया तो ये बेसिकली एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा तो ये बिग ऑफ एंड टाइम में ही हो जाएगा ठीक है एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम क्या कर रहे हैं यहां पे पहले इस सबेरे ऑफ साइज पी का सम कैलकुलेट किया उसके बाद इस मेरे ऑफ साइज पी का कैलकुलेट किया सम लेकिन पूरे का कैलकुलेट नहीं किया क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो विंडो था ऑफ साइज पी का ये जो विंडो था साइज पी का इसको मैंने एक स्टेप राइट में मूव कर दिया या तो स्लाइड कर दिया फिर ये जो विंडो था साइज पी का इसको नेक्स्ट स्टेप में वापस एक स्टेप आगे स्लाइड कर देंगे फिर ये जो विंडो है साइज पी का इसको और एक स्टेप आगे स्लाइड कर देंगे इन द नेक्स्ट मूव इन द नेक्स्ट स्टेप सो दिस अप्रोच अप्रोच इज़ स्लाइडिंग विंडो ठीक है अब इसका कोड लिखते हैं कोड लिखने से पहले एक और चीज समझते हैं अगर एक सबेरे ऑफ साइज पी और उसका एंडिंग इंडेक्स आई है तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा तो हमें पता है कि अगर स्टार्टिंग इंडेक्स जे है और साइस पी है तो एंडिंग इंडेक्स आई कैसे आता है जे माइनस पी प्लस वन अगर जे स्टार्टिंग इंडेक्स है सॉरी जे प्लस पी माइनस वन अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स जे है और टोटल सवेरे का साइज पी है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा जे प्लस पी माइनस वन सो आई कैन से जे प्लस पी माइनस वन इज इक्वल्स टू आई तो यहाँ से मुझे जे की वैल्यू मिल जाएगी आई माइनस पी प्लस वन तो अगर एंडिंग इंडेक्स आई है तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा आई माइनस पी प्लस वन ये कैसे काम आएगा अभी समझ में आएगा सबसे पहले मैं आंसर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दूंगा विद द फर्स्ट ऑफ साइज पी मतलब जीरो से लेके पी माइनस वन तक के सबेरे का सम जो है वो मैं आंसर वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा अब मुझे क्या चाहिए अब मुझे बाकी के जितने भी सबेरे हैं उनका सम मुझे निकाल के आंसर के साथ कंपेयर करना है ठीक है तो मैंने पहले एरे का सम निकाल लिया जो कि पी माइनस वन इंडेक्स पे एंड होता था अब नेक्स्ट सब होगा वो p इंडेक्स पे एंड होगा फिर p प्लस वन पे होगा फिर p प्लस टू पे होगा एंड लास्ट सब जो होगा वो n माइनस वन इंडेक्स पे एंड होगा सो आई कैन से दिस इज माय एंडिंग इंडेक्स फॉर आई इक्वल्स टू पी आई लेस देन एन आई प्लस प्लस ठीक है मुझे सब ऑफ साइज पी जो कि आई थ इंडेक्स पे एंड होता है उसका सम चाहिए ठीक है यहाँ पे क्या था इस अप्रोच में यहां पे ये आइथ इंडेक्स से स्टार्ट होता था और यहां पे हम लूप लगाते थे से लेके प्लस टू होगा अप टू एन माइनस वन मतलब होगा तो हो ठीक हो 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 है क्योंकि पहले सब एरे ऑफ साइज पी का ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख लिया है तो अब जो आइथ इंडेक्स पे एंड हो रहा है वो स्टार्ट कहां पे होगा वो स्टार्ट होगा कहां पे वो स्टार्ट होगा आई माइनस पी प्लस वन अगर आई पे एंड हो रहा है तो आई माइनस पी प्लस वन पे स्टार्ट होगा ये हमने अभी यहां पे देखा ठीक है तो अगर ये मेरा सबेरे है जो कि आई पे एंड हो रहा है एंड आई माइनस पी प्लस वन पे स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले वाला सब एरे ये रहा होगा जो कि आई माइनस पी पे स्टार्ट हुआ होगा और आई माइनस वन पे एंड हुआ होगा राइट तो जब मैं इस विंडो को यहां पे स्लाइड करूंगा तो करंट सम में से मुझे सब क्या करना पड़ेगा आई माइनस पी इंडेक्स और एड क्या करना पड़ेगा आई थी इंडेक्स सो आई कैन से सम इज इक्वल्स टू सम माइनस ए ऑफ आई माइनस पी प्लस ए ऑफ आई तो ये मुझे करंट सब एरे जो कि आईथ इंडेक्स एंड होगा उसका सम दे देगा एंड नाउ आई कैन से आंसर इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कैलकुलेटेड टिल नाउ एंड सम ठीक है एंड फाइनली आई कैन प्रिंट दी आंसर ठीक है तो ये है स्लाइडिंग विंडो मेथड हम यहां पे स्पेस भी नहीं लेंगे और इनर में जो लूप था वो भी हमने हटा दिया ठीक है सॉरी सो so, अब इसका कोड लिखते हैं ठीक है So, minimum sub -array sum. So, I will say include IO stream and using namespace std int main. Theke? I will take int n i j p sum and answer. <coughs>

एंड फॉर आई इक्वल्स टू जीरो आई इज लेस देन पी आई प्लस प्लस आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस ए ऑफ आई ठीक है और सम में भी मैं इस आंसर को स्टोर कर लूँगा ठीक है क्योंकि जब मैं विंडो को स्लाइड करूँगा तो सम में से मैं एक वैल्यू निकालूंगा और एक एड करूंगा आर यूगेटिंग माई पॉइंट तो उसमें इनिशियल सबेरे की पहला जो सबेरे साइज पी का उसका सम तो होना चाहिए सो सम इज इक्वल्स टू आंसर नाउ आई विल कैलकुलेट द सम ऑफ सबेरेज विच आर एंडिंग एट आई थेक्सो वो एंड अब पी माइनस वन पे जो एंड हो रहा था वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया अब यह पी पे एंड होगा पी प्लस वन पे होगा ऐसा करते करते एन माइनस वन तक जा सकता है सो आई इक्वल टू पी आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस सॉरी आई इज इक्वल टू पी आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस सम इज इक्वल टू सम माइनस ए ऑफ आई माइनस पी ये क्यू हम सब ट्रैक्ट कर रहे हैं ये वाला एलिमेंट ये मैंने अभी दिखा दिया आपको वन नॉट पे प्लस ए ऑफ आई एंड आई वुर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा सम ठीक है एंड नाउ आई प्रिंट दी आंसर वैल्यू तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई यहाँ पे पी साइज का लूप लगा यहाँ पे यहाँ पे एन माइनस पी साइज का लूप लगा तो ओवरऑल एन साइज का एक लूप लगा ठीक है और यहाँ पे हम स्पेस भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहे राइट सो आईल जस्ट सेव दिस एंड आई कंपाइल दिस राइट सो ओके आई वांटेड टू लाइट क्लियर बट ये ऑलरेडी क्लियर ही था सो सीलैंग प्लस प्लस मिनिमम सब एरे सम माइनस ओ मिनिमम सब एरे डॉट आउट ठीक है कंपाइल हो गया डॉट स्लैश मिनिमम सब एरे समाट आउट सो फर्स्ट लाइन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट मी टेक एट नेक्स्ट लाइन कंटेन्स एट एरे एलिमेंट्स सो लेट मी टेक फोर वन ट्वेंटी थ्री टू सेवेन फोर फाइव एंड लेट से नाइन ठीक है तो एट एलिमेंट्स हो गए ठीक है नाउ लेट से द सब एरे साइज इज पी सो द मिनिमम सम इज 18 ठीक है अगर हम देखने जाए तो पहला जो सब होगा साइज पी का उसका सम डेफिनेटली ग्रेटर देन 18 है दूसरा जो सम समय ऑफ साइज फोर का उसका सम भी ग्रेटर देन 18 है तीसरा जो सब एरे ऑफ साइज पी उसका सम भी ग्रेटर देन 18 है चौथा जो सबे है रहे ऑफ साइज पी उसका सम कितना है टू प्लस सेवन नाइन नाइन प्लस फोर थर्टीन थर्टीन प्लस फाइव एटीन एंड फोर्थ जो सबे है रहे ऑफ साइज पी उसका सम कितना है सेवन प्लस फोर इलेवन इलेवन प्लस नाइन ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव तो मिनिमम सम क्या है 18 द करेक्ट आंसर एंड दिस मेथड इज नोन एज स्लाइडिंग विंडो आप चाहो तो इसको प्रीफिक्स सम से भी बिग ऑफ एन टाइम में कर सकते हो लेकिन वहां पे आपको एक सम एरे बनाना पड़ेगा ठीक है आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा थैंक यू